Rom Rom ji. 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 और क्या मौज आ रही है? आज जा रहे हैं सुशी खाने. यहाँ पर सुशी रेस्टोरेंट है एक बहुत टॉप का. तो वो दिखाऊंगा सुशी कैसे खाते हैं, क्या क्या सिस्टम रहता है. एकदम जेन्युइन तरीका, अप्रूव्ड बाय जापानी है भाई. कभी कभी सुशी हर भी खा लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है. मैं तो खा लेता हूँ, टेस्ट ठीक होना चाहिए बस. ओ दीवार पे पेड़ लग रहे हैं, बालक ये वो है बेसबॉल की प्लेयर. आज यहाँ बेसबॉल का गेम है, स्कूल के लॉन्डो की टीम का वो है गेम. स्टेडियम में, ये स्टेडियम है, इसमें भीड़ लग रही है आज बहुत ज़्यादा. जितना फेमस इंडिया में क्रिकेटर है उतना ही फेमस जापान में बेसबॉल है. तो बेसबॉल के पीछे पब्लिक हाहाकार मच रही, पब्लिक मरी जा रही है. हमारे यहाँ तो यार बेसबॉल का बल्ला ही बल्ला मिलता, बॉल तो मिलती नहीं है. गर्मी पड़ रही है बेहिसाब. स्टेशन से थोड़ी दूर है जगह यार, पैदल चलना पड़ रहा. इसने तो ले रखा है अपना बीजना सा, 1300 डांडी का बीजना. थोड़ी नानी बीजना उच्चीवा बीजना उच्चीवा बीजना ना जन बीज ना जन बीजना बीजना अरे गर्मी पड़ रही है. वो तो मैंने लगा ली सनस्क्रीन. जापान में पता है क्या इतनी ज्यादा वो रेज रहती है, कौन सी यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो बहुत ज़्यादा पड़ती है. तो सनस्क्रीन लगानी पड़ती, नहीं तो रंग काला हो जाता है गर्मियों में. और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं. तो SPF क्रीम रहती है, 50% से ऊपर वाली क्रीम लगानी पड़ती है यहाँ. तो अगर जापान में अगर तुम रह रहे हो या फिर आना चाहते हो तो अपनी सनस्क्रीन गर्मियों में सनस्क्रीन लेके आना 100%. क्यों ना नहीं सुनना नंबर मिला 699. वेट कर रहे हैं, पब्लिक लाइन में लग रही है. नंबर आएगा फिर खाने खाने जाएंगे. बैठो तब तक. अब बाजेगा टोटल सुशी सिस्टम. ये घूम रही है, इसमें ऐसे इसमें अपना ऑर्डर कर दो और फिर तुम्हारी ऐसे घूम के आ जाएगी. तुम्हारी जो भी डिश है ना, तुमने जो ऑर्डर करी है तुम्हारे टेबल पे, और उसे उठा लो. किसी और की नहीं उठा सकते, उठा भी लो पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं. ये हमारा ऑर्डर है, आ गया, खींच ले भाई. इसको खाने का तरीका रहता है, ये वसाबी सॉस,
Soyu sore? Bonzo. Soyu. Sore soyu da yo. Yetta soy sauce aur wasabi. Thodi si wasabi iske upar lagao. Ye bahut teekhi hoti hai, zyada nahi leni chahiye. Mauj aa jati hai nahi to. Halka sa soyu, soy sauce. Drinks are being hamari thandi. Aaj Sunday hai, din pe dar peene kade hai. Halki soy sauce. और हाँ जब तुम खा लो तुम्हारी प्लेट ऐसी ये है ना प्लेट पे ऐसे उसके ऊपर रख ऐसे फुल लाइन पे लाइन लगती जाती है ऐसे लाइन पे लाइन लगाते ना खाते जाओ सैलमन वैलमन खाता हूँ मैं ज़्यादा ये सब नहीं है अभी मेरी सैलमन फिश आ रही है उसे दे दूँगा हेलो ये सैलमन फिश है इसके ऊपर प्याज कटी हुई है और एक इसमें मेयोनीज भी है इस बार वो ऑर्डर करें सीवीड रहता है हरा पत्ता नहीं समुद्र काई नहीं रहती काई 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 को सुखा के ये है ना जैसे ये एक और ऑर्डर आ रहे हैं ये सीवीड रहता है काई होती है ना समुद्र के अंदर हरे कलर की जो जम जाती है उसको लेके उसको सुखा के उसका ये बना देते हैं पेपर सा फिर उसको खाते हैं जापान में और कोरिया में और चाइना में इन तीन कंट्री में बहुत ज़्यादा खाया जाता है थाईलैंड में भी खाया जाता है इंडिया में ऐसी चीज़ होती नहीं है पता नहीं मुझे होती होगी इसके अंदर है मछली के अंडे एक ऑर्डर और आ गया इसके अंदर है मछली के अंडे ये देखते हैं कैसे खाए क्या रहता है सिस्टम हाँ मेरे ये खाया नहीं कह रही है ये था मेरे जापान में तुम जिस भी सुशी रेस्टोरेंट में जाओगे ना बाकी कंट्री का तो पता नहीं है पर जापान में 90% जो सुशी रेस्टोरेंट होते हैं वो सब सेम पैटर्न होते हैं ऐसे एक नल का लगा होता है तो इस नल के से ऐसे इसको दबाओ इसको ये काला वाला है ना इसको इससे दबाओगे तो इसमें से गर्म पानी निकलेगा गर्म पानी और ये साइन है जापानीज में लिखा हुआ है ग्रीन टी ओचा इसको हटाओ इसमें से ऐसे डालो ग्रीन टी और फिर इसमें फॉर्क
अब ये ग्रीन टी तैयार। सुशी भी कई तरह के रहते हैं, सुशी के रोल रहते हैं, सुशी रोल वही जो बताया ना ग्रीन कलर का, वो जो काई जो रहती है समुंदर की, वो सीवीड उसमें लपेटी हुई सुशी रोल ये रहता है, निगिरी बोलते हैं इसको, सुशी। नीचे चावल रहता है, ऊपर जो फिश रहती है ना ये सिर्फ इसे अलग अलग तरह का मीट रहता है। तो अगर सिर्फ साशिमी, ये सिर्फ चावल नहीं होंगे इसके नीचे तो ये होगी साशिमी, अगर इसके नीचे चावल होंगे तो ये हो जाती है सुशी। खरबूजा। ये मैंगो आइसक्रीम जम रही है। जितने भी इंडियन जापान में रहते हैं ना, उनमें से किसी से भी पूछ लेना कि ये आम, जापान में दुनिया भर की वैरायटी है सब्जियों की, फ्रूट की, बस आम की वैरायटी नहीं है साली। इंडिया में होती है लंगड़ा, दशहरी, और वो मोटा सा रहता है जैसे मैंगो शेक बनता है, इतने सारे आम रहते हैं, पर आम की कोई वैरायटी नहीं। आम मिलते हैं, महंगे मिलते हैं और मीठे नहीं होते। इंडिया आम में सबसे टॉप का, सबसे तो पता नहीं, मतलब जापान से बहुत ज़्यादा टॉप का है।